बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। तो 6.6 तक हमने कर लिए न्यूमेरिकल्स, तो 6.7 हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो सवाल सुन लें, आप लोग भी सवाल पढ़ लें। तो क्वेश्चन है बेटे, एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 60 सेकेंड में 50 मीटर तक खींचता है। ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर मालूम कीजिए। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर्स इन 60 सेकेंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। जो जो हमें चीज़ें दिखी, सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखी है, फोर्स 300 न्यूटन, डिस्टेंस यानी कितना फासले तक खींचा है उसको, फासला कितना है, डिस्टेंस 50 मीटर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, फाइंड क्या करना है पावर। फार्मूला अप्लाई किया, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब डब्ल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन एफ और एस तो है हमारे पास, तो हमने पढ़ा हुआ है एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, देयर फोर तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ये एफ एस हमने डब्ल्यू की जगह पुट कर दिया, तो क्या फार्मूला बन गया बेटे, पी इज इक्वल टू एफ एस ओवर टी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा जी 300, एस की वैल्यू हमारे पास 50 मीटर्स, ओवर टाइम कितना है 60 सेकेंड्स, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ठीक है जी, सिक्स को काटा, सिक्स फाइव द 30, ये जीरो वैसे, तो 50 इंटू फाइव, तो बेटा जी आंसर क्या आ गया 250, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.7। तो नेक्स्ट हम लोग 6.8 करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लें। न्यूमेरिकल नंबर 6.8 हम लोग करने लगे हैं बेटा जी। तो आपने क्वेश्चन जो है उम्मीद है पढ़ लिया होगा, मैं भी आपको क्वेश्चन जो है पढ़ के बता देता हूँ। ए 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स सीढ़ियाँ अप, यानी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता इन 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स पावर इफ ईच स्टेप इज 16 मीटर हाई। अगर हर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो बेटा जी 16 सेंटीमीटर। उर्दू मीडियम वाले सुन लें, 50 किलोग्राम का एक आदमी 20 सेकेंड के दौरान यानी 25 सीढ़ियां चढ़ता है, और अगर हर सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी पावर मालूम कीजिए। मास 50 किलोग्राम, नंबर ऑफ स्टेप्स सीढ़ियों की तादाद 25 एन, हाइट ऑफ वन स्टेप एक सीढ़ी की ऊंचाई, हाइट ऑफ वन स्टेप 16 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया 100 पे डिवाइड करके 100 पे तकसीम किया 0.16 मीटर, टाइम 20 सेकेंड्स, हाइट हमने मालूम करनी, ये तो ये टोटल हाइट आप कह सकते हैं, यानी एक स्टेप एक सीढ़ी की ऊंचाई ये है, और कुल सीढ़ियां कितनी हैं 25, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई को कुल तादाद से ज़रब दे दे तो कुल हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी। तो हमने क्या किया 25 को 0.16 मीटर से मल्टीप्लाई किया, 4 मीटर आ गया। फाइंड क्या करनी है पावर, सॉल्यूशन करते हैं। एफ इज इक्वल टू एम डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, पढ़ा हमने एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वेट का फार्मूला क्या होता है एम जी, तो हम F फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली। F जो है वो डायरेक्ट mg के बराबर नहीं हो जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, m कितना है बेटा जी हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय g कितना होता है 10, तो बेटे F फोर्स कितनी आ गई 500 न्यूटन। ये हमने फोर्स क्यों निकाली, वर्क फाइंड करने के लिए। अब वर्क फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S, लेकिन यहाँ पे S नहीं, यहाँ पे H है, फासला जमीन पर हो तो फासला, जब जमीन से ऊपर जब जिसम जाता है तो वो हाइट हो जाती है, तो एस को आप एच लिख लें, एक ही बात है। एफ कितना निकाला है 500, एच हाइट कितनी है 4, तो बेटे दोनों को मल्टीप्लाई किया 2000 जोल्स, ये वर्क आ गया हमारे पास। फार्मूला लगाते हैं पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, पी इज इक्वल टू W ओवर T, W बेटे कितना है वर्क 2000, ओवर टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, 0 0 से कैंसिल, 200 बचा नीचे 2 बचा, 2 को कैंसिल किया, तो बेटे पावर कितनी आ गई हमारे पास 100 वाट्स। तो कितनी पावर आ गई बेटे हमारे पास 100 वाट। लें जी, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर है 6.8। क्या आज किया हमने, सबसे पहले फोर्स फाइंड की पावर मालूम करने के लिए, पावर का फार्मूला क्या है वर्क ओवर टाइम, टाइम तो हमारे पास है, वर्क हमारे पास नहीं था, तो वर्क फाइंड करेंगे पहले, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, एच है एफ नहीं है, तो पहले एफ फाइंड करेंगे,
एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम भी है जी भी है, दोनों वैल्यूज पुट किया, एफ आ गया, एफ पुट किया वर्क आ गया, और वर्क पुट किया तो पावर आ गई। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.8। तो ये आज के दो न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो बेटे आप जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर्स नहीं लिए हैं अपने 9th क्लास के, वो अपने ऑफिस से, स्कूल ऑफिस से 9th क्लास के रजिस्टर्स आके रिसीव करें, ताकि आप लोग ये हल करें उस पर, और आपकी प्रैक्टिस भी हो, फिर आपको ये चीज़ें जो है वो तैयार होंगी। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।